हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 12 सितंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर पहुँच गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 26 स्थान। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 79वें स्थान से 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग के मुताबिक भारत में आर्थिक कारोबारी गतिविधियों के मामले में आज़ादी पहले से कम हो गई है। इस रैंकिंग में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन 124वें स्थान पर है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी 105वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार 79वें स्थान पर रही थी। तो 26 स्थान भारत नीचे खिसक गया है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान और कई अन्य देशों के साथ दक्षिणी रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है कॉकस 2020। तो हाल ही में चीन ने रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और कई देशों के साथ दक्षिणी रूस में 21 से 26 सितंबर तक होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कॉकस 2020 में शामिल होने की घोषणा की है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहिए वाले वाहन और हल्के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज 12 सितंबर को किस राज्य में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और PMAYG के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG के अंतर्गत निर्मित 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.14 करोड़ घर पहले ही बन चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है 5-स्टार गाँव। तो डाक विभाग ने सुदूरवर्ती गाँवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं यानी कि डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5-स्टार गांव योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और वितरण और प्रचारित किया जाएगा। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को लाभ देने के लिए देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग तक पहुँच में सुधार होगा। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में 971 करोड़ रुपए की लागत वाले मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये दोनों ही जिले जो है सो बिहार राज्य के अंदर हैं। तो बिहार राज्य में 971 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनमें से किसके लिए वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि UAE और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए। तो नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन टाइब्रिंग ने अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को UAE इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। टाइब्रिंग नॉर्वे की संसद के 4 बार से सदस्य रहे और नाटो की संसदीय असेंबली का हिस्सा है। आते हैं अब आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है
कि निम्न में से किस राज्य ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, पंजाब सरकार। तो पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए प्रोत्साहन देगा और इस ऐप में कई उपाय दिए गए हैं। तो अब आते हैं नौवे प्रश्न पर। नौवा प्रश्न है, ट्रिनबागो नाइट राइडर्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया को 8 विकेट से हराकर लीग के इतिहास में एक सीजन में अपने सभी मैच जीतने वाली कौन सी टीम बन गई है? तो ये ऐसा करने वाली पहली टीम है। तो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स कैरेबियन प्रीमियर लीग में फाइनल मुकाबले में सेंट लूसिया को 8 विकेट से हराकर चौथी बार कैरेबियन प्रीमियर लीग चैंपियन बन गया है। साथ ही यह टीम लीग के इतिहास में एक सीजन में अपने सभी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इस जीत पर टीकेआर के फ्रेंचाइजी ओनर शाहरुख खान ने उन्हें बधाई दी। तो अब आते हैं दसवें प्रश्न पर। दसवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश के विदेश सचिवों ने हाल ही में पहली त्रिपक्षीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस के विदेश सचिवों ने हाल ही में पहली त्रिपक्षीय वार्ता की सह अध्यक्षता की है, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियमों के आधारित प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करना था। साथ ही तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी था। दोस्तों, हम लोग 12 सितंबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1398 तैमूरलंग सिंध नदी के तट पर पहुंचा। 1786 लॉर्ड कार्नवैली से भारत का गवर्नर जनरल बना। 1873 पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया। 1944 अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया। 1959 तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा। 1987 इथोपिया में संविधान को अंगीकार किया गया। 1990 पूर्व और पश्चिम जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, पूर्व और पश्चिमी जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1991 अंतरिक्ष शटल STS-48 या इसी को डिस्कवरी 14 का प्रक्षेपण हुआ। 1997 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के उपरांत मॉर्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा। 2001 अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 2002 नेपाल में माओवादियों ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों, ये हमारे 12 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।